सो फाइनली डेल ने अपनी जी सीरीज में दो काफी तगड़े गेमिंग लैपटॉप को भारत में लॉन्च किया है, जो कि डेल G15 5520 और 5521 स्पेशल एडिशन के नाम से आते हैं। दोनों ही काफी तगड़े गेमिंग लैपटॉप हैं, जिनकी शुरुआती कीमत आपको तकरीबन 85,000 अराउंड देखने को मिलती है, जिसमें आपको NVIDIA का डेडिकेटेड 30 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड के साथ में इंटेल 12 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। दोनों ही लैपटॉप में आपको काफी तगड़ी गेमिंग स्पेक्स देखने को मिलती हैं। अगर डिस्प्ले की बात करें तो डेल G15 के दोनों ही वेरिएंट में आपको 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको 3 रिफ्रेश रेट मॉडल देखने को मिलते हैं। अगर बेस रिफ्रेश रेट मॉडल की बात करें तो उस लैपटॉप में आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, जिसमें आपको 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा मिड वेरिएंट की बात करें तो उस लैपटॉप में आपको 165 की अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, जिसमें आपको 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अगर टॉप एंड द वेरिएंट की बात करें तो उस लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस की QHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको 250 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो एक अल्ट्रा प्रो मैक्स हाई रिफ्रेश रेट के अलावा एक डेल के इस लैपटॉप में आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो आउटडोर विजिबिलिटी के अलावा एक काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका डेल के टॉप एंड द वेरिएंट लैपटॉप के साथ, साथ ही में QHD रेजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल गेमिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेल के टॉप एंड द वेरिएंट लैपटॉप में आपको काफी सही डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले के अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डेल के इन लैपटॉप में आपको इंटेल का 12 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहां बेस वेरिएंट में आपको 12 जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और वहीं टॉप एंड द वेरिएंट में आपको 12 जनरेशन का इंटेल कोर i7 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही लैपटॉप में आपको लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसके अलावा अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इन लैपटॉप में आपको NVIDIA का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जहां बेस वेरिएंट में आपको NVIDIA की तरफ से आने वाला RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, और वहीं टॉप एंड द वेरिएंट में आपको NVIDIA की तरफ से आने वाला RTX 3050 Ti ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। दोनों ही लैपटॉप में आपको 4GB का DDR6 टाइप का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि नो डाउट काफी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ में एक ऑलराउंडर बैलेंसिंग परफॉर्मेंस भी डिलीवर करने वाला है। इसके अलावा डेल के इन लैपटॉप में आपको कस्टमाइजेबल VRAM का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें आप इन लैपटॉप में RTX 6080 और RTX 3070 जैसे ग्राफिक्स कार्ड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डेल के G15 बेस वेरिएंट में आपको ओरेंज बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, और वहीं टॉप एंड द वेरिएंट में आपको 4 जोन RGB बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि फुल न्यूमेरिक कीबोर्ड के साथ में आता है। तो टॉप एंड द वेरिएंट में आपको फुल RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, और वहीं बेस वेरिएंट में आपको ओनली सिंगल कलर का ओरेंज कीबोर्ड देखने को मिलता है। दोनों ही लैपटॉप में आपको बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, बट टॉप एंड द वेरिएंट में आपको एज कंपेयर टू बेस मॉडल काफी ज्यादा फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। इन सब के अलावा इन लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड और गेमिंग लाइब्रेरी देखने को मिलती है, तो आप सिंगल क्लिक से इन लैपटॉप में गेमिंग लाइब्रेरी और गेमिंग मोड को इनेबल कर सकते हैं। डेल के ये लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप हैं, तो ऑब्वियसली इन लैपटॉप में आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, साथ ही इन लैपटॉप में आपको 2.5 वाट के स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो डेल के इन लैपटॉप में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.1 के साथ में डुअल बैंड वाईफाई 6 SD RGB वेबकैम और डिजिटल डुअल एरो माइक्रोफोन भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल तगड़ी गेमिंग स्पेक्स के अलावा डेल के इन लैपटॉप में आपको तगड़ी कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। अगर प्राइस की बात करें तो डेल G15 5520 गेमिंग लैपटॉप की शुरुआती कीमत आपको 85,990 रुपीज देखने को मिलती है, और वही टॉप एंड द वेरिएंट डेल G15 5521 ऐसी एडिशन लैपटॉप की कीमत आपको 1,18,990 रुपीज देखने को मिलती है। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो डेल के ये लैपटॉप आपको डेल एक्सक्लूसिव स्टोर और डेल ऑनलाइन स्टोर में देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल ये लैपटॉप आपको किसी भी तरह की ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर देखने को नहीं मिलने वाले, बट आप इन लैपटॉप को डेल की ऑफिशियल साइट और ऑफलाइन एक्सक्लूसिव स्टोर से परचेस कर सकते हैं। डेल के इन लैपटॉप में आपको लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेबल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आप इन लैपटॉप को ऑफलाइन मार्केट से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं और एक ब्रांडेड लेटेस्ट लॉन्ग लास्टिंग गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आप नो डाउट डेल की G15 सीरीज को भी
कंसीडर कर सकते हैं। इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से डेल के इन लैपटॉप में आपको काफी सही वैल्यू फॉर मनी स्पेक्स देखने को मिलती है। जनरली इस प्राइस ब्रैकेट में आपको बहुत ही कम लैपटॉप में 12 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, बट डेल के इन लैपटॉप में आपको एक अच्छी डिस्प्ले के साथ में लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर और सभी तरह की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से एक काफी सही ऑप्शन हो जाता है इस प्राइस ब्रैकेट में, साथ ही लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेबल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल इन लैपटॉप को आप काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।